ऑलरेडी। तो अभी हम शुरू करते हैं सर, हम आपको नाम तो सबसे मिला दें। बच्चे जी अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। कहाँ से हैं आप, कौन सी न्योगी जगह साहब से हैं इंडिया के? हाँ जी सर। जी, तो हम लोग ऐसा विधिवत ही प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैंने लाइव के लिए भी क्लिक कर दिया है, तो मैं सभी का इस महफिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं यहां पे वर्ल्ड पपेट्री डे को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि मार्च 21, 2022 को मनाया जा रहा है इस साल। और इस महफिल में हम स्वागत करते हैं मैडम लिपिका का। उनके लिए कुछ लाइनें हैं मेरे पास, वो मैं पढ़ देता हूँ सब बच्चों के लिए, सब पपेटियर्स के लिए पढ़ देता हूँ, जो लोग जुड़े हुए हैं महफिल में हमारे साथ उनके लिए पढ़ देता हूँ। वी डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस नीड आर्ट, बीइंग अ कल्चरल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेयरनेस एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स इन वेरियस पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इंडिया, वी ऑल्सो कंडक्ट क्रिएटिव थिएटर वर्कशॉप्स। आवर मेन वेपन टूल्स इज पपेट, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कलरफुल एंड इफेक्टिव मीडिया टू कम्युनिकेट विद द मास। माई नेम इज लिपिका, लाइक आई एम रीडिंग फ्रॉम हर साइड। आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट टू सेलिब्रेट वर्ल्ड पपेटेड डेज। आई हैव बिन डूइंग दिस पपेट्री फॉर लॉन्ग ओवर 25 ईयर्स। दिस इज माई पैशन, माई ब्रेड एंड लिविंग। आई लव टू बी ए पपेटीर। वॉट एन इंट्रोडक्शन। तो अगर मैं उसको सिंपल सादे शब्दों में कहूँ, आज हम बहुत खुश हैं कि मैडम लिपिका हमारे साथ हैं। 25 साल से भी ज़्यादा समय हो गया उनको पपेटीर में, एक एज ए पपेटियर काम करते हुए, और समाज के बहुत सारे हिस्सों को उन्होंने जागृत करने का भी काम किया। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और साथ ही उन सभी पपेटियर्स का भी स्वागत करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि न्योगी साहब ने कहा कि एक एक करके हम उनको इनवाइट करें और वो अपने अपने इंट्रोडक्शन दें, ताकि उसके बाद हम मंच और माइक जो है लिपिका मैम के हवाले कर सकें। तो न्योगी साहब, यहाँ एक छोटा सा पॉइंटर मुझे आपसे चाहिए कि सबसे पहले यंग पपेटर्स को आपने बुलवाना चाह रहे हैं कि सीधा मैं लिपिका मैम को इन्वाइट कर लूँ। नहीं, पहले जो बड़े बड़े पपेटियर्स बैठे हैं, जो प्रगति गार्ड के नाम से लॉग इन कर रखा है, और जी हादिया और अंकिता, इनके इंट्रोडक्शन। मिस्टर दीदी, आप प्लीज अपना नाम बताएंगे, कौन सी क्लास में है, कौन सी शहर से है इंडिया की? दीक्षा आपके नाम, कौन दीक्षा सी क्लास? इसलिए और लिपिका मैम को थोड़ा डरा तो दो, मेरे को जैसे डराते रहते हो। अच्छा, आप प्लीज कोई भी माइक ऑफ ना करिए, जब तक मछली मार्केट ना हो तब तक मजा क्या इन बच्चों के साथ काम करने की। अच्छा वैशाली, प्लीज अपना नाम बताएंगे, आप कौन कहाँ से हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास स्कूल नर्सरी नर्सरी। ओके, और तुम कौन सा काकू शिटा बोले दो। ओके, न्यू चंडीगढ़ में रहते हैं, जो चंडीगढ़ के बहुत पास है और पंजाब में है। अंकिता दीदी, आप प्लीज अपने इंट्रोडक्शन देंगे। फैमिली Which class? You're in which class? Class 5. ये सबसे बड़े हैं हमारे में से, और जूनियर बंसल्स, दो बंसल्स भी हैं हमारे साथ। हाँ बताइए बताइए, विष्णु जी बताइए। अकाश भैया भी, अकाश भैया तो फिफ्थ में जाएगा। अच्छा, आकाश भैया फिफ्थ में जाएगा। ओके, सो अंकिता मैम तक। बर्थडे लेकिन हमारा केक कहाँ चला गया? बर्थडे हो गया तो बर्थडे। अच्छा ठीक है। अच्छा, दो छोटे छोटे बच्चे आप आए, प्लीज हम केक खाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ प्लीज साहब, आपने इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज इशांत एंड हिज नेम इज इशित। माय नेम इज इशित एंड हिज नेम इज दिशांत। व्हिच क्लास आई स्टडी इन? क्लास आई
I will be now studying class 8th and I will be studying in class 6th. Okay. And you will perform something today with puppets? Is it possible? No. We will try it. We will try it. Okay. We will try it to narrate a story. Great. Great. And we will also have. স্নিগ্ধাদি আমাদের সঙ্গে আছেন, আমি একটি এনসিইআরটি বুক ইলাস্ট্রেশন প্রজেক্টে ওনার সঙ্গে কাজ করেছিলাম। স্নিগ্ধাদি লিপিকাদি আমাদের সঙ্গে আছেন, সো প্লিজ ইফ ইউ ক্যান ইন্ট্রোডিউস ইওর সেলফ। আপনি যদি বাংলায় কি হিন্দিতে, মনে হয় হিন্দিতে সবাই বুঝবে। কোই ভি বচ্চে কো অপরচুনিটি মিলা तो बहुत आगे बढ़ जाता है बच्चा, और मुझे ये देख के इतनी खुशी हो रही है कि इतने छोटे छोटे बच्चे अपना प्रेजेंटेशन लेके तैयार हैं एकदम। देखिए, मुझे सीखने के बहुत मौके मिले, और मेरी ये जो शिक्षा में जो यात्रा है वो तब शुरू हुआ जब मैंने एकलव्य ज्वाइन किया था, एकलव्य नाम की एक संस्था, और वो आज से लगभग 25 साल पहले की बात है। आप लोग होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम का नाम सुने होंगे, उसी कार्यक्रम के जरिए विज्ञान शिक्षण में मेरी रुचि बनी रही, और मुझे उसी में आगे काम करने का मौका भी मिलता रहा। अभी मैं विद्या भवन सोसाइटी उदयपुर के साथ काम कर रही हूँ, और वही बच्चे और शिक्षक और हमारे जो अन्य साथी शिक्षा के ही क्षेत्र में मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं, उनके साथ भी काम करने का भरपूर मौका मिलता रहा है। हाँ, मैंने हाँ हिंदी का या तो लंबा हो से और बांग्ला तो विषय बड़ा उचित है। शुभाशीष दार के साथ मेरी मुलाकात तब हुई जब हम लोग किताब लिख रहे थे बिहार का, और उन्होंने हमारे किताब को इतना सुंदर बना दिया था, तो बस और वही देख रही हूँ तो उन्होंने पूरा ये मंच को भी इतना ही और प्रबल और इतना क्रिएटिव बना दिया है। मैं देखती रहती हूँ, फॉलो करती रहती हूँ। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी। थैंक यू लिपिकादी का हार मुख बंद करे राघुना ऋषि। ओवर टू लिपिकादी, प्लीज आपने অ্যাড্রেস করুন আর আমাদের ছোট ছোট পাপিটেলদের যদি পারেন কিছু করতে। শোনা যাচ্ছে না, লিপিকা দি মাইকটা অন করবেন। না, আরেকবার বলতে হবে, অ্যাকশন রিপ্লে দরকার আছে। सब बच्चे लोग को सो कौन पहले इफेक्ट परफॉर्म करेगा? हाँ, मिष्टू दीदी आप परफॉर्म करेंगे पहले? मिष्टू दीदी ओके। और मैं दीदी लेट आएगी क्योंकि सुपर है, ये जल्दी करें। विष्णु दीदी आप प्लीज अपना पपेट परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे क्या? निकी दीदी आएंगे फिर से कर देंगे। ओके, ये विष्णु दीदी के घर में कोई नया फ्रिज आता है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आते हैं तो उनके मम्मी पापा इतने प्रोएक्टिव है, उसको काट के विंडो बना देते हैं, उससे पपेट परफॉर्म करते हैं। इसलिए बहुत सारे पहले कर रखा है। ओके, मिश्र दीदी का स्क्रीन को पिन कर लेते हैं हम सब। सभी प्लीज पिन कर लीजिए, मिश्र दीदी के स्क्रीन में दो छोटी छोटी पॉकेट अभी अपीयर हुआ था, नहीं तो घूमते रह जाओ। दीदी आवाज नहीं आ रही बेटा। थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो
ऊपर करके करेंगे प्लीज, कम दिखाई दे रहा है सुनाई देते हैं लेकिन देख नहीं सकते ना किचु हम किचु तो एक हो हाँ थैंक यू मिश्रू दीदी, आप जो लिपिका मैम है कलकत्ता से उनको अच्छे से एक बार थोड़ा और दिखाएंगे आप, थोड़ा ऊपर करके पपेट प्लीज, थोड़ा ऊपर करके आप छोटे हैं ना, और थोड़ा जोर से बोल के जैसे मिश्रू दीदी कैसे हो दीदी, आप रेडी हैं क्या? और मिंकी दीदी भी ज्वाइन किए हैं अभी जोधपुर से। मिंकी दीदी कैसे हो? I'm fine sir, अभी संडे को क्यों नहीं क्लास ले रहे? सॉरी सैटरडे को क्यों नहीं क्लास ले रहे? सैटरडे मेरे को ना कुछ बड़े बच्चों ने ना पकड़ लिया था, मैं निकल नहीं पा रहा था, मैंने बड़ी कोशिश की। अरे अरे सच्ची मुच्ची पूछो, लिपिका मैम को पता है, बंसल सर को भी पता है, जैसे आप लोग मेरे को पकड़ लेते हो ना और डराते हो, ऐसे मेरे को बड़े बच्चों ने पकड़ ली थी, इसीलिए मैं क्लास नहीं कर पाया, तभी तो जल्दी जल्दी आ। मिंकी दीदी आपने देखा लिपिका मैम आए हैं कलकत्ता से, मेरे जैसे स्पेक्ट डालते थोड़े बड़े बड़े से, ठीक है, और वो उनके पास बहुत मजेदार मजेदार पपेट्स हैं। और अभी हमने मिश्रू दीदी का देखा परफॉर्मेंस, अभी अंकिता दीदी के देखते हैं और उसके बाद मिंकी दीदी आप सुनाएंगे ना हमें। पहले मिस्टर दीदी एक दो फ्रेंड्स और ज्वाइन करेंगे हम, सबसे आखिर में फिर से आपका रिपीट करेंगे, पहले अंकिता दीदी के देख लेते हैं, बहुत देर से वो रेडी है। ओके अंकिता दीदी आप दिखाएंगे कुछ क्या? यस सर, सर अ स्टोरी। ओके प्लीज प्लीज गो अहेड। Everybody, please, Ankita Didi ko. This is a story named My Adventurous Achievement. This is an adventurous story about Mahi and her mother. One day, Mahi's mother was so much ill and said Mahi to collect some flowers from the forest.
Mommy said, please don't worry, mother, I will do everything. You stay in bed. On the way, she passed by a stable. And there was... Louder, keep a little louder. Mommy can see some children from bed. She said, Mommy agreed with me and she said, Mommy, I never took three days. The heart was so much happy. After the heart was sad, Mommy continued on her way to the forest. This time, she meet a sparrow. Mommy said, the boy and Mommy, can you Lipika ma'am, over to Lipika ma'am. Who Kolkata se papiti rahe. She works a lots and lots of work. Chalo sab clap to kar do. So gaya kya? Jor dar clap. So, ma'am, Lipika ma'am, aap kuch guide karna chahenge Ankita didi ko? Ankita didi, bahut achhi bola. लाउड और चलो बोलेगे तो अच्छा लगता है और ज्यादा अच्छा लगता है बस अब हमारी लास्ट परफॉर्मेंस सुंदर है हाँ कौन डांस करेंगे देखिए कितना कुछ ये लोग बना लेते हमने तो अभी शुरू ही नहीं किया बनाना है ना अच्छा चलिए मेनली दीदी हरी दया यार घूमने चले गए खेलने चले गए आप बंसल साहब आप प्रेजेंटेशन करना चाहेंगे हम भी तो आप करिए फिर हम बंसल साहब के देख लेते हैं इनकी भी तब तक आ जाएगी चलो मैं तुम्हें काट लूंगा फिर तब से इस आते बंसल साहब मैं तुम्हें काट लूंगा मैं तो बस मैं छोटा सा किसान हूँ मैं तो अपने खेत में जा रहा हूँ वैसे तुम मेरे को कैसे काटोगे मैं तुम्हें सांप की तरह काटूंगा तुम मुझे सांप की तरह काटोगे तुम पर मेरे पास डंडा है मुझे उससे बचना आता है
तो बचना आता है, तो ये लो दूध ले लो, दूध ले लो और हम दोस्त बन जाते हैं। शुक्रिया, तुमने मुझे पसंद किया है, मैं तुम्हें एक सोने की मोहर देता हूँ। शुक्रिया। फिर वो घर गया और उसने सोचा कि उसने तो मेरे को सोने की मोहर दी कि वो बहुत ज्यादा अमीर होगा। जो अगले उसने प्लान बनाया कि अगले दिन उस जब वो दूध पी रहा होगा उसको मार के सारे सोने की मोहरे एक साथ ले ली जाए। ये लो तुम्हारा दूध। शुक्रिया। और अब हम आपको मार देंगे। ये देखो इसके पास तो कुछ सोने की मोहर नहीं थी। मैंने क्या किया? इससे साबित होता है ना, लालच का फल बुरा होता है। लालच ना करते, रोज रोज दूध दे के रोज रोज मोहर ले लेते तो सभी कपिटेज ऑल डंपल्स और कैन यू कम प्लीज कम इन द फ्रेम। सभी तीन तीन कपिटेज हैं इसमें। सो ओवर टू दीपिका मैम, आप फीडबैक दीजिएगा प्लीज। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, उसका पपेट भी अच्छा है, स्टोरी अच्छा है। कोई हम लोग को उधर से थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं, देखो बांदा से कैसा फायदा मिलता है। अस्निग्धा मैम प्लीज, या उनका टेक्स्ट आ गया। अस्निग्धा मैम अगर कुछ जोड़ना चाहेंगे। अभी बच्चों को ही करने दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है, उनका एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ चलिए सब मिलकर एक जोरदार तालियां मार लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ है ना, नहीं तो कहीं हम सो ना जाए। अभी मिंकी दीदी रह गई है। मिंकी दीदी आप परफॉर्म करने वाले थे, आर यू देयर मिंकी दीदी? मिंकी दीदी, मिंकी दीदी कह रहे हैं खेलने के टाइम के मिसमैच हो जाता है तो कभी कभी बेचारी बंक कर जाती है। मिंकी दीदी चलिए, सो ओवर टू दीपिका मैम, आप प्लीज जो भी आप पपेट दिखाना चाहेंगे, वर्ल्ड पपेट डे है 21st को, जब मिंकी दीदी आएंगे तो हम फिर से मिश्रू दीदी का भी देखेंगे और मिंकी दीदी के भी परफॉर्मेंस देखेंगे। आज वर्ल्ड पपेट डे है, उसका साथ भी आज हैप्पीनेस डे है। ओह वर्ल्ड पपेट डे तो कल है। हां आज वाओ ग्रेट, दो इंटरेस्टिंग डे है आज, इसलिए हम लोग सब लोग बहुत हैप्पी है सब मिलकर। तो क्या करोगी अभी? हम थोड़ा परफॉर्मेंस देंगे, आप लोग फिर मैं कुछ देंगे, ठीक है? अच्छा मैं तब तक आपका वीडियो दिखा दूं क्या, जो वीडियो आया है मेरे पास? हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है ना। सो वीडियो देखते हैं। हम आपको पपेट दिखाना चाहते हैं। Thank you.
कैसे लगा आपको? वाह, इतना बड़ा मिस्टर दीदी ने वाव किया। इतने सारे फिशेस थे, सब सो गए क्या? अच्छा, ओवर टू लिपिका मैम प्लीज। मैम आप कुछ जोड़ना चाहेंगे, बताना चाहेंगे प्लीज? मैं तो बताना चाहती हूँ, आज इतना अच्छा दिन है, बच्चे लोग भी कितना आया, इसीलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हेलो बच्चे लोग, प्यार भरा बहुत सारी आदर और बहुत सारी प्यार क्या है? हेलो सर। क्या बोला? पसंद है? हाँ, डर लगता है मुझे देखकर। प्रगति, हेलो प्रगति। हाँ मिष्टू, मम्माज नेम इज प्रगति, मिष्टू दीदी। ओह सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, वो तो डर गया। मिष्टू दीदी आप देख पा रहे हो? मिष्टू दीदी आप, मुझे बात नहीं करना है, मुझे मिष्टू दीदी। क्या मिष्टू दीदी? क्या थोड़ा बात मेरा साथ थोड़ा बात बोलो ना। उसका नाम तो पूछो मिष्टू दीदी, उसका कोई नाम है क्या? बोलो, मेरा नाम है भूतू। मिष्टू दीदी, भूतू भी कोई नाम होता है? पूछो ना। मैं चला जाती हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भूतू। मेरा नाम है भूतू, मैं डांस भी करना चाहती हूँ, आप देखेंगे मेरा डांस? हाँ नहीं देखेंगे? देखेंगे आपका डांस, देखेंगे देखेंगे। मैं भी डांस करना चाहती हूँ। हेलो मिष्टी दीदी, कहाँ हो आप? यहाँ।
मिष्टी दीदी। ओ मिष्टी दीदी। मेरा नाम आप नहीं जानना चाहती हो? जानना चाहती हूँ। आप कुछ के मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रसगुल्ला। बहुत क्या नाम है? मेरा नाम है रसगुल्ला। गुलाब जामुन बोल ले तुझे, लड्डू बोल ले तुझे। मेरा नाम है गुलाबी, चेंज कर दिया अभी। मेरा नाम है गुलाबी। विष्णु दीदी देखो गुलाबी नाम है लेकिन है तो येलो कलर के। हेलो। अरे किसी और ने पूछो, आप दोस्ती करना चाहोगे इनके साथ? क्या गुलाबी चला जाएगा नहीं तो गुस्सा होके? हाँ तो बात नहीं करना क्या? ओहो क्या थोड़ा कुछ पूछो अब मिष्टी दीदी। ओ मिष्टी दीदी ये आप पूछो कुछ पूछना चाहते हो? दो ना पूछे एक क्वेश्चन सुना दो। तो आप कितनी क्यों ले जाके मिंकी बहुत टूर्नामेंट। आई वांट टू आस्क समथिंग। वैसा वो मेरे नेम लिखी रहा होगा कि मेरा नाम असली है इलिशना। ओके मेरा क्वेश्चन है कि गुलाबी को कैसे बनाया है? हाउ डिड यू मेक इट? कैन यू टीच अस आल्सो? यस वेरी सिंपल। एक जो कपड़ा है ना, एक कपड़ा गोल करके कट के हम ऐसा सिलाई कर दिया, फिर जो थोड़ा हार्ड बोर्ड है, हार्ड बोर्ड से इधर अंदर से इधर डेंड्राइट से चिपक दिया। क्या कर रही हो? चिपक करके थोड़ा स्पॉन्ज लगाया ऊपर। ऐसा कर ओके समथिंग लाइक अ सॉक पपेट। Do you also teach how to make foam puppets, foam building puppets? Yes, yes, I have. ए देखिए मेरा friend और एक friend है। देखो एक और friend आ गया। Can you share your number here on the chat so that we can learn it from you later? I will. How I wonder how you are. Hey, देखो मेरा नाम क्या है मालूम है आपको? हाँ नहीं मालूम इष्ट दीदी कहाँ हो? हाँ मुझे पसंद है आपको? नहीं मैं ना चल Her name is Chamki. Chamki. बहुत सुंदर नाम है Chamki. Chamki स्कूल जाती है क्या? ऑनलाइन क्लास लगाती है क्या ऑफलाइन लगाती है? बस अभी आएगी ना चमकी आ गई है देखो तब से बकबक 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 खड़ी जा रही है।
हाँ बीच में चले गए थे ना, तभी चमकी आ गई। चमकी पोएम सुनाएगी क्या? पहले चमकी से पोएम सुन ले कोई। मिकी दीदी हाँ चमकी पोएम सुना देगी। हाँ चमकी को पोएम आता है क्या लिपिका मैम? हाँ आता है। हाँ तो सुनाएगी क्या? जॉनी जॉनी यस पापा eating sugar no papa telling lie no papa open your phone cha 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 अरे क्लैप कर दो इतना अच्छा पोएम सुना चमकी ने। कम ऑन गुड बाय। मैम कैन वी सी द परफॉर्मेंस ऑफ मिंकी दीदी? वो बहुत ईगरली वेट कर रही है, तो उसके बाद लिपिका मैम हम फिर आपके साथ है ना। ओके मिंकी दीदी प्लीज आप परफॉर्म करिए, थोड़ा क्लोज अप और जोर से बोलिएगा आवाज, थोड़ा जोर से। आइए फटफट उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, आकाश में उड़ी, हवा में उड़ी, आसमान में उड़ी, स्माइली फेस से उड़ी, इसको उड़ाया इसको उड़ाया, हर जगह पतंग उड़ाई। अरे क्लैप तो कर दो, इतना अच्छा हमने पतंग के साथ उड़े। लिपिका मैम को पूछते हैं मिंकी दीदी मेरे को तो मजा आया पतंग। हाँ पहले पहले मैम को पूछ लेते ना, मैम आज आए हैं। लिपिका मैम प्लीज गिव योर फीडबैक। बहुत अच्छा लगा, हाँ पतंग का बहुत अच्छा लगा। और अभी मिष्टु दीदी का अच्छा पतंग वाला सुनिए ना, दोबारा सुनिए। अच्छा मिंकी दीदी आप दोबारा सुनाएंगे क्या? हम लोग भी एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे सभी को देना चाहेंगे। प्लीज सर प्लीज। जी मैं एक्ट करूँगा कि मैं वो हूँ जो समंदर में पानी में कचरा फेंकता हूँ, और ये मेरे सामने समंदर के दो जीव बैठे हुए हैं, ये अपनी अपनी बात कहेंगे और मैं कचरा फैलाने वाला, मैं देखते हैं कि बात कहाँ तक पहुँचेगी। जी तो ये दो लोग हैं जो मुझे रोकना चाहते हैं समंदर में कचरा फैलाने से। अरे तुम कौन होते हो मुझे कचरा फैलाने से रोकने वाले? हम शांत होते हैं। हैं? आप शांत होते हो तो हम अशांत होते हैं। हम समंदर में कचरा फैलाएगा। क्यों? क्योंकि हम कचरा फैलाने वाला है, हम कचरा फैलाएगा। कचरे से बहुत सारे मैरीन एनिमल्स मर जाते हैं। कचरे से बहुत सारे मैरीन, समंदर में कौन रहता है भाई? बाहर घरों में रहते हैं लोग, समंदर में कोई नहीं रहता। समंदर में मछलियां रहती हैं और बहुत सारे सी क्रिएचर्स भी रहते हैं। बहुत सारे सी क्रिएचर्स समंदर में रहते हैं, क्यों उनके पास घर नहीं है क्या? समंदर उनका घर है। समंदर उनका घर है? समंदर में किसी का घर होता है? हाँ होता है। मैं उसमें कचरा ऐसे फेंक के आ जाता था। फेंक के आ जाते हो? क्योंकि मुझे क्या पता उसका घर होता है, मुझे नहीं पता किसने। अगर आपके घर के सामने कोई कूड़ा फेंक दे आपको कैसा लगेगा? मुझे बहुत बुरा लगेगा, मार डालूंगा उसको मैं, मेरे सामने कचरा फेंकेगा तो फिर आप उनके घर फेंक रहे हैं।
और लेकिन वो तो समंदर है ना भाई, समंदर में कचरा फेंक तो समंदर में डूब जाते, इतना बड़ा समंदर उसमें कचरा डूब जाता है। जैसे डूबेगा तो फिर मछलियां भी उनसे मरती है। मछलियां मरती है समंदर में कचरा फैलाने से? मछलियां कहाँ रहती है समंदर में? आप सच में मछलियां रहती है समंदर में? रहती है ओ, कौन कौन सी मछली रहती है समंदर में? बहुत सारी टाइप्स होती है मछलियों की। इतनी सारी? अच्छा कौन कौन सी बताइए तो। लाखों करोड़ों हैं। जेली फिश ले लो, ऐसे तो बहुत हाँ सारी होती है। डालो तो फिर तो मैं थोड़ा सा कचरा डाल दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या पड़ता है, फर्क बहुत पड़ता फर्क है? पड़ता है। क्या फर्क पड़ता सिर्फ है? आप ही ना हो अकेले, आप थोड़ा डालोगे वो भी थोड़ा डाल देंगे, कोई और होगा अगर। ओ, अगर मैं डालूंगा तो मुझे देखकर और भी लोग कचरा डालेंगे, अगर मैं नहीं डालूंगा तो मुझे देखकर और भी लोग कचरा नहीं डालेंगे। अच्छा योगी साहब भी कचरा नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। अच्छा लिपिका मैम भी कचरा नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। अच्छा तो उससे समंदर बच जाएगा नहीं। पक्का? पक्का। अगर हम समंदर बचा लेंगे तो आप हमें क्या देंगे, कुछ हमें देंगे क्या? आपको हम और ऑक्सीजन देंगे। दुनिया के 70% ऑक्सीजन सिर्फ फाइटोप्लांक्टन से बनती है जो पानी में रहते हैं। ओ, इसका मतलब जो हमें पढ़ाया जाता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, समंदर के नीचे के पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन बनाते हैं। हाँ, सेवेंटी परसेंट ओ, होगी। ये तो हमें 70%। ओ माय गॉड, ये तो हमें पता ही नहीं था। आप लोगों ने तो मेरी आंखें खोल दी आंखें। अब मैं अपनी खुली आंखों से देख देख के कचरा नहीं फेंकूंगा जी। धन्यवाद, हम कचरा नहीं फेंकेंगे भाई। अरे जोरदार ताली दे दो ना, मेरे को तो बहुत मजा आया। हाँ, एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शुक्रिया मैसेज, बहुत अच्छा है जी। और मैं सभी से जो देखने सुनने वाले जी ये कहना चाहूंगा कि हमारा जी, बहुत धन्यवाद मैम, जो हमारा इस बार का वर्ल्ड पपेटेड डे है उसका थीम भी यही है इस साल का, कि जो हमारे समंदरों में कचरा जा रहा है, जो स्ट्रॉज जा रही हैं, प्लास्टिक जा रहा है, वो उसमें ना जाए। और समंदर भी घर होता है, ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। और जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं वो कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे इकोलॉजी के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, कई लोगों को नहीं पता लगता है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास कि हम उन लोगों को बता सकें, और ये वर्ल्ड पपेटेड डे का जो थीम भी है हमारा इसी थीम से जुड़ा हुआ है जी। को भी सेव करने का हो गया तरीका जी, बिल्कुल। योगी साहब अब आपके पास मंच। मंच नहीं मेरे पास, आप एक कैपिटल बड़ी देर से लिपिका मैम को पता, क्योंकि ये बेसिकली ईशना और प्रगति, प्रगति को मम्मा के नाम है, मिष्टू, ये दो कजन्स हैं, तो एक जोधपुर से है एक चंडीगढ़ से है, तो ईशना बाद में ज्वाइन किया इसीलिए प्रगति। वो देखिए मिष्टू, मिष्टू दीदी आ गए परफॉर्म करने, तो हमें परफॉर्मेंस फिर से देखना है सर। तो चंडीगढ़ में आते हैं और लेकिन असली में तो मेरा नाम ईशना है। ओके, अभी हम मिष्टू दीदी के परफॉर्मेंस देख ले। ईशना आपके लिए वो वेट कर रही है बहुत देर से। आप मुझे मिट्टी पिला सकते हो? अच्छा मिंकी दीदी, मिष्टू दीदी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। हाँ चलो। ओके पलाया तो उसमें भी दिल, एक प्यारा सा छोटा पलाया तो उसमें बड़ा से छोटा बगा, अंदर से बहुत बड़ा दिल है, सबके पास दिल है और किसी के पास हमेशा है। दिलों की लड़ी घुटी, एक लड़ी बनती हमेशा था तो तेरे रहे और एक और न्यू ईयर मेरे रखते हैं तेरे आ जाते हैं। अगर तो संभल संभाल कर तो तुझे आप बहुत खूबसूरत प्यारी और खुशियों भरी होगी हमेशा के लिए। थैंक यू। अरे क्लैप तो कर दो, सब सो गए क्या? नहीं
ओके ओवर टू लिपिका मैम. मेरा वो फिश एक वीडियो और है एक दिन वाला, आप जब बोलेंगे वो हम दिखाएंगे. और आप कुछ और पपेट दिखाना चाहेंगे या कोई भी हमारे साथी, बहुत सारे साथी हैं छोटे बड़े, कुछ अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज ओवर टू लिपिका मैम. मैं क्या बोलूं, पहले वीडियो देख ले मैम, आपने एक और वीडियो भेजा है, हमने एक वीडियो ऑलरेडी देख रखा है. हाँ एक और देख लेते हैं मिष्टु दीदी, एक छोटी सी वीडियो है जरा देखिए. इसका एंड थोड़ा अब्रप्ट है बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है. सो डांस नहीं हो रहा है. यस प्लीज. डांस हो रहा है इसी वीडियो में. हाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? नहीं. आप एक रिफ्रेश कर लेंगे प्लीज, बाकी को नजर आ रहा है क्या? यस सर. नहीं नहीं नजर आ रहा है. हाँ नहीं मुझे आ रहा है. आ रहा है बट ओनली द वॉइस इज लिटिल ब्रेकिंग, बाकी वॉइस अदरवाइज नजर आ रहा है. Live programs recording, so. Sir, the voice is not coming. Sir. Yes. Voice थोड़ी सी कम सी आ रही है. So that's all guys, sorry ये थोड़ा complete है. Very nice. Yeah. Very nice. Thank you. अरे बच्चे लोग सब सो, क्लैप तो कर दो जोरदार. लिपिका मैम ने कितना मुश्किल से बनाया होगा प्रोग्राम. Yeah, great. So now over to Lipika ma'am, please. मैं तो और कुछ देखना चाहती हूँ बच्चे लोगों को. देखना चाहती हूँ, देखना भी चाहती हूँ. और कुछ दिखाओ. मिष्टि कहाँ है? मिष्टु, मिंकी, मिष्टु को घूमिए थोड़े चेमी. ये लोग बहुत कुछ बनाते होते हैं. मिष्टु दीदी कोई पपेट है आपने जो बनाया या कोई ड्राइंग आप दिखाना चाहे? इश्ना, अंकिता, आई थिंक अंकिता. Sorry, Minky Didi, okay. So they are wonderful in visual art also. बहुत अच्छे अच्छे cartoons बनाते हैं, greetings बनाते हैं. आप कुछ दिखाना चाहेंगे मैम को?
मेरे पास सिर्फ यही पपेट, मैंने खाली यही पपेट रखा। आप अंकिता दीदी को देख रहे हैं, फिर आपका भी देख लेते हैं अंकिता दीदी। सर होली और कुछ कोई दिखाना चाहेंगे? मिंकी दीदी के पास बहुत बड़ी सी पतंग है, इसको लेकर परफॉर्म किया है। इतना बड़ा बड़ा टेल है इसका। हैप्पी होली का अंदर कौन कौन है, कौन कौन कलर खेल रही है अभी? अच्छा दीजिए अंकिता दीदी को कुछ पूछ रहे हैं। हाँ लिपिका मैम अंकिता दीदी को कुछ पूछ रहे हैं। अंकिता मैम कुछ पूछ रहे बेटा। सर बेटा क्या कार्ड बनाया था, लेकिन वो तो सिर्फ सर, चलो दिखा दूंगी मैंने कार्ड बनाया। ओ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मैंने सारी लिस्ट पूरी करी, लिस्ट बनाई थी और वो कार्ड है ये है। अरे भी एक कार्ड था रोजपुर में, ब्यूटीफुल, मेरा भी दिखा दो। So Lipika ma'am, I hope you are enjoying our World Puppetry Day celebration. ये बिल्कुल formal नहीं है। हाँ आप guest हैं लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है। Yes, please. तेरे कार में ना एक पेन का निशान लग गया है। कोई बात नहीं दिखा दो। चलेगा चलेगा, मिश्री नहीं डांटेगी आपको। दिखा दो। ये मिश्री ने बनाया था खुद, राजमार्ग चौक की बनाया। बहुत बढ़िया, very nice, बहुत बढ़िया। मुझे मन दोनों मिश्री को बोलो, मिश्री ने बनाया है बहुत बढ़िया। Very good, very good. रात भर जग के बनाया था, रात भर जग के। योगी सर जी, योगी सर जी जी बहुत बढ़िया बेटे, बहुत ही बढ़िया कार्ड बनाया। योगी सर हमारे साथ पपेट्री की दुनिया के मास्टर जो हैं वो भी हमारे साथ हैं आज, भारती मोहन जी। तो हम उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि मैम आप तो इम्प्रॉम्प्टू हुई ऑन द फ्लाई भी आप कुछ ना कुछ कह देते हैं, तो आपको हम इनवाइट करते हैं, तो बच्चों के लिए आप अगर कुछ छोटा समय बता पाएं। चीज राइट सी आई वाज आउट समथिंग, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं जस्ट आई जस्ट केम फ्रॉम समवेयर, है ना। बच्चों बच्चों आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं तो लिपिका मैम से बहुत कुछ सीखना चाहूंगी। मैम आई वुड लाइक टू लर्न बिल्डिंग सम पपेट्स फ्रॉम यू, दे आर ऑसम। आई कुडंट वॉच दीस परफॉर्मेंसेस बट आई एम श्योर दे आर देयर ऑन द फेसबुक पेज और समवेयर। आई वुड बी कीन टू वॉच दिस प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम यू नो ऑल ओवर अगेन। एंड लेट मी कैच होल्ड ऑफ समथिंग, आई जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आप तब तक अपना कार्यक्रम जारी रखिए। मैं जी बिल्कुल बिल्कुल आपका मैं जो आशा मैम यस आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर। अरे वाह क्या बात जी। मुझे सब बच्चों को देख के मेरा भी मन बच्चा बनने के लिए कराया, तो मैंने भी वो जो लास्ट टाइम सॉक्स पपेट सिखाया था आप लोगों ने, तो मैंने वो भी बना दिया। देखिए कैसा सुंदर लग रहा है। ओ अरे भाई हेलो, आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाउ आर यू जी? हम सब बढ़िया, हाउ आर यू? इसका कौवा प्यासा था, जब में थोड़ा पानी था, कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवा पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। इट्स वंडरफुल मैम, वंडरफुल वंडरफुल वन मैम। इसका नाम भी रखा आपने? हेलो आप और कुछ व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज लीना। लीना आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल।
लीना, लीना आपको पढ़ने जाना अच्छा नहीं लगता तो खेलने जाना अच्छा लगता? तो फिर मेरे साथ फिक्स अप कर लो, मैं शाम को आने वाला हूँ पार्क में 6 बजे। ठीक है 6 बजे मिलते हैं फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी पार्क में आ जाऊं लेकिन ये जरूर जी। प्लीज आ जाओ। आपने मैम बहुत ही अच्छा पपेट बनाया है और हम लोग डांस करेंगे, ऐसे ऐसे म्यूजिक लगा के डांस करेंगे। जी जी बहुत बढ़िया, साथ में ये भी आ गया डांस करने। ओ ये क्या है, भी डांस करेगा? ये तो हमारे अंदर की बॉडी बॉडी लगती है अंदर की। ओ जो शरीर के अंदर जो बोन्स होता है, बोन्स क्या शरीर है ये तो। न्योगी साहब आपने स्कूल का काम नहीं करा था तो टीचर ने आपके अंदर की बॉडी को बाहर निकाल दिया लगता है ना? और भी एक फ्रेंड है मेरे साथ, अगर सब दिखा रहे तो मेरे पास भी एक फ्रेंड है। दिखाओ ये क्या है। ओ सुंदर है, ओए पूरा पीछे करना से। ओ ये क्या निकल रहा है बाहर को। ओ लीना के लिए लगता है कोई आया है लीना से मिलने के लिए। ओ वेरी नाइस वेरी नाइस। लीना को कहते हैं, इसको भी खेलने के लिए बुला लेते हैं, लीना को बोलता हूँ मैं। ये सब मिलके बहुत मजा आएगा। जी इसके साथ तो बहुत मजा आने वाला है। भी नाम रखा है। का भी नाम रखा है। जी अच्छा तो नाम बताओ अपना। ये इसका नाम ब्रो है? नहीं रोजी 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 रोटी नहीं रोजी रोजी रोती रोती नहीं है, रोती बोल रहे हैं वो रोती। अच्छा ये रोती का मतलब देखा वो रोती है ना वो। रोती नाम रखोगे तो अभी रो पड़ेगा। जी न्योगी सर पार्क में मिलते हैं। बाय। ताली बजाओ सबके लिए। अभी मिष्टु दीदी भी कुछ दिखा रहे। मैं भी मैं पकड़ लाई हूँ। हेलो एवरीबॉडी। हेलो 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 गुड हेलो बॉडी। माय नेम इज रेडी एंड मॉली। हेलो हेलो मैम। हेलो सर। हाय हेलो। आप लोग कैसे हैं? हैप्पी वर्ल्ड पपेट डे। थैंक यू आपको भी। अच्छा न्योगी साहब आज का जो हमारा थीम है हम लोग साथ साथ, क्योंकि हर थोड़े थोड़े देर बाद मैसेज भी हम लोग दे रहे हैं लगातार, जो हमारा थीम है बच्चों को सिखाने के लिए कि जो पानी है वो जीवन की मूलभूत जरूरत है, और वो जो जरूरत है जो हमारे समुद्रों में सागरों में जो पानी है उसको लगातार हम लोग किसी ना किसी वजह से गंदगा भी कर रहे हैं, प्लास्टिक खास तौर पे। तो आप जो समझते हैं क्या जो लोग ये प्लास्टिक डाल देते हैं समंदर में या जलाशयों में कचरा डाल देते हैं, पानी पीने वाले में कचरा डाल देते हैं, नहर में कचरा डाल देते हैं, क्या ये लोग अच्छे लोग होते हैं? देखिए सच तो ये है हम सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाल देते हैं। मिष्टु भी डाल देती है? नहीं छोटे लोग तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो नहीं ऐसे गड़बड़ करते। जो गड़बड़ करते ना बड़े लोग करते हैं। ओके हाँ सही बात सही। हाँ
वो पता नहीं डस्टबिन होता फिर भी इधर उधर फेंक देते। आप देखेंगे गाड़ी चलाते चलाते ना पानी के बॉटल बाहर फेंक देते, खाते हैं पिज्जा तो प्लेट फेंक देते। पता नहीं बड़े लोग कब सुधरेंगे, इनको समझ ही नहीं आता। इनको सुधरना चाहिए, इनको सुधारेगा इनको कौन? चाहिए। अरे छोटे बच्चे तो स्कूल में प्लांटेशन वीक में बहुत सारे पेड़ भी लगाते हैं, जैसे वो बड़े हो रहे होते पेड़ भी बड़ा हो रहा होता। अच्छा ये मिस्टी क्योंकि पहले से सुधरे हुए हैं। वाले बड़े सुधरे हुए ठीक है, फिर बच्चों को सुधारना चाहिए। मेरे पास डंडा है ये देखो, कौन कौन खाना चाहते बताओ, किसने लंच नहीं किया। फिर सर को बताओ कि ये गंदगी फैलाता कौन है, बच्चों को भी पता है पता है, बड़ों को भी पता है। फिर क्या डॉगी और पुशी कैट ये फैलाते गंदगी, स्कूल नहीं जाते इसलिए नहीं उनको स्कूल भेज देते। सर देखिए आज के निष्कर्ष तो यही निकला कि बड़े लोग गंदगी नहीं फैलाते, बच्चे भी नहीं फैलाते, फिर तो कोई और फैलाता ढूंढना पड़ेगा हमें उसको। जी, और मुझे वो खूब पता है। हम बच्चों के साथ भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि गर्मियों के दिन आने वाले हैं, लोग बहुत सारा नारियल पानी भी पीते हैं, स्ट्रॉज लेते हैं, जब भी बाहर जाते हैं वो एक स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो कोशिश करते हैं नारियल पानी वहाँ ना पिए, घर आके गिलास में निकाल के पिए, और अगर कभी पीना पड़ जाए, चार लोग हैं तो एक ही स्ट्रॉ से हम लोग काम चला लेते हैं। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, और उस बाद में उस स्ट्रॉ के हम पपेट बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो बच्चों को भी समझ आनी चाहिए, बड़ों को भी समझ आनी चाहिए। जितना प्लास्टिक को हम रिफ्यूज़ करेंगे, जितना उसका इस्तेमाल कम से कम करेंगे, उतना ही अच्छा। कल की मैं एक बात आपको सबसे बच्चों से भी शेयर करना चाहता हूँ, सब बड़ों से भी करना चाहता हूँ। कल पपेट फेस्टिवल का पहला दिन था जिसमें जायंट पपेट्स बनाए गए थे, और उन पपेट्स को हमने दिखाया था कि किस तरह से जो पानी की बॉटल्स भी हैं या स्ट्रॉज भी हैं, किस तरह से जाके जानवरों का खाना बन रही है, उसके खाने में मिक्सअप हो रही है, और बेचारे वो किस तरह से कई बार अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप समझें, और एज ए टीचर भी अगर आप देखें या एज ए स्टूडेंट आप देखें, तो हम सबको पता होनी चाहिए, और हम सब एक दूसरे को टोक दें कि भाई ये वाला काम अच्छा नहीं है। जैसे अभी उन्होंने बताया कि बच्चों को पता है, बड़ों को भी पता है, तो जिसको पता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरे को भी बताए। आपने अगर कोई कचरा कहीं फैलाते किसी को भी देखो तो उसको टोक दो कि भाई ये कचरा मत फैलाओ, ये किसी का घर हो सकता है, किसी के पानी में जा सकता है, ये जहर बन के वापस खाने में आ सकता है। इसीलिए प्लास्टिक जो है उसका इस्तेमाल बंद करें। अगर कभी पॉलीथीन में कोई चीज़ लानी पड़ जाए तो पॉलीथीन में ना लाएं उसको, अपने हाथों में जो भगवान ने हमें अच्छे हाथ दिए हैं उन हाथों में उठा के ले आएं, अपने व्हीकल्स में, गाड़ी में, कोई अपना साथ थैला रखें जिसके जरिए आप पॉलीथीन को मना कर सकें। योगी साहब आप क्या कहते हैं, आप कचरा फैलाना चाहते हैं इस तरह का? सर हम 2005 में शुरू किया था, हमारा पहले पपेट प्ले था कि पॉली बैग मुर्दाबाद, वहां फिर भोपाल भी गए एक नेशनल में। उसके बाद हम भी गिव अप कर गए, फिर सरकार भी आ गई। कोशिश आज भी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी पॉली बैग है, चाहे वो दूध के पैकेट हो चाहे ब्रेड के पैकेट हो। सो शो मस्ट गो ऑन, ये थिएटर की तरह संघर्ष जारी है, लेकिन हम हो ना हो बच्चे बहुत समझदार है। जी, तो होपफुली और कुछ दिन बाद इससे पहले हमारी अंत आ जाए, शायद कुछ आदत की अंत आए और हम बच जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जो एक पपेट्री एसोसिएशन ने पहल भी की है, और ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जब इसको डिक्लेयर भी किया गया है, ये दिन एक पूरा डिक्लेयर किया गया है, तो हम इस दिन का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हुए वो एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे जो समंदर हैं, हमारे जो दरिया हैं, हमारे जो विलेजेस में पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, वो बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हैं हमारी इकोलॉजी का, हमारे पर्यावरण को बचाने का, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी साधन है। तो आप कभी भी अपने आसपास कहीं भी जलाशय में, जो भी आपके वेटलैंड है आपके पास, उसको आप स्टडी ज़रूर करें, लेकिन उसके अंदर कचरा ना फैलाएं, और कोई अगर फैलाता दिखे तो उसको भी रोकें। आपके घर की जो बाहर ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियां बहती हैं, उनमें भी प्लास्टिक ना हो, इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। यही हम आज का मैसेज देना चाहेंगे। और मैम हाथ में पैकेट डाल के बड़ी देर से ऐसे और ऐसे बैठ रहे हैं, तो गुजारिश है प्लीज मैम प्लीज जा। यस प्लीज मैम। थैंक यू सो मच अरुण सर, हमने अभी अभी जूनो को रेस्क्यू किया है,
आप जूनू से मिलना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। हाय डार्लिंग, हिज नेम इज जूनू। ओके लुक एट जूनू, चिल्ड्रन लुक एट हिम केयरफुली। ही इज बीन मेड आउट ऑफ अ ग्लव। ओके लुक ओवर द ग्लव, आई हैव जस्ट डन लिटिल बिट ऑफ स्टफिंग एंड आई हैव मेड जूनू। Now, Juno is very happy with whatever Arun sir is spreading, the message he's spreading, because we rescued Juno. You know what was stuck in his nostril? This straw. You know, there was a birthday party just by the ocean, okay? And somebody put the Pepsi bottles and the straw in that. And Juno happened to have got this in his nose, his nostril was blocked with this. He could barely breathe. वो सांस भी नहीं ले पा रहा था इसकी वजह से, ठीक है? तो हमने जूनो के नॉस्टल में से निकाल दिया है और नाउ जूनो इज द मच 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 बेटर पर्सन। सी ही स्माइलिंग एंड सेइंग हाय टू एवरीबॉडी। ओके सो आई एम सो ग्लैड दैट आई रीड योर मैसेज वेरी लेट दो देन आई कुड जॉइन beautiful, beautiful setup. And Lipika ma'am, thank you so much. And Subhashish sir and Arun sir is forever fantastic, you know, with the kind of work he's doing. Thank you so much. And Juno is thanking you from the bottom of his not only heart but bottom of the sea also, because you're spreading the spread in the present time. Children, say no to plastic straws, say no to straws altogether. We don't need straws, do we? We are a big children. We are going to drink from the glasses, okay? And whenever these days we are going to for the parties also, try and carry your own plate and your own glass from home, okay? Yes. All right. Just a moment. See you. Sure. Bye bye. See you. Thank you, ma'am. So, thank you, Lipika ma'am. We are already 15 minutes. क्रॉस द लिमिट ऑफ कलाकार लोग होते ही ऐसे, स्टेज मिले तो हम छोड़ते नहीं है। एज वेल एज बच्चों के साथ जो काम करते हैं, घड़ी तो हमारी किसी काम की नहीं है, बट स्टिल आप सो लिपिका मैम आप कुछ दिखाना चाहते हैं, आशा मैम आप कुछ बताना चाहते हैं? जी मैम, पहले भारती मैम का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ही शी इज ऑलवेज फैंटास्टिक ऑन दिस वन। बहुत बढ़िया तरीके से वो पपेट्स बनाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जब से उन्होंने हमें वो लड्डू वाला एक एक्ट हमें दिखाया है, तो मेरे बच्चे बार बार कभी ना कभी याद करते रहते हैं लड्डू वाला एक्ट। तो और इसके साथ साथ मैं जो बाकी भी आशा मैम जो लगातार एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करते रहते हैं, उन्होंने भी जो सॉक्स वाला पपेट दिखाया है उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया। और योगी साहब इशारा क्योंकि कर चुके हैं समय की, और समय की सीमा तो सबके लिए तय होती ही है, तो अब मैं लिपिका मैम से खास तौर पे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो अपना कंक्लूजन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो हमें लिपिका मैम कुछ बताएं। मुझे आज का दिन बहुत अच्छा लगा और सब कुछ ठीक ही है, लेकिन हम लोग का जो थिंकिंग है ना वो थोड़ा बदल होना चाहिए। सब लोग हम सोचते हैं लेकिन हम लोग का बिहेव नहीं ऐसा करती है, इसीलिए गड़बड़ हो जाते। लेकिन हम लोग होप करते हैं जे इन फ्यूचर वो पॉलिटिक नहीं होगा। हम लोग का जो बच्चा है वो जो अभी वो अवेयरनेस जो मिलता है उन लोग को, वो ऐसे ही वो उसका बिहेवियर ऐसे ही होगा, तो पॉल्यूशन कम होगा, समुंदर बच जाएगा, बहुत एनिमल वो बच जाएगा, पेड़ पौधा और ज्यादा होगा, प्लास्टिक इधर उधर नहीं फेंकेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा। ये सब छोटा छोटा जो चीज है वो सब फॉलो करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये होप हम लोग रखते हैं। तो होप फॉर बेटर वर्ल्ड। और बाय करने के लिए सर जब हाँ सॉरी सर प्लीज कंटिन्यू मैम लिपिका मैम। नहीं नहीं चलो ना बीच में करती हूँ। नहीं 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 ऐसे ही ठीक है, ऐसा ही काम करते करते हम लोग अवेयरनेस करते हैं सब लोग मिलकर, अरुण सर ऐसे ही होगा, अच्छा ही होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सिंस वी ऑल आर मीटिंग द पीपल फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, आई थिंक वी शुड कोलैबोरेट एंड कम अप विद वन प्रोग्राम व्हिच वी कैन काइंड ऑफ यू नो
brush us or telling us at a very, very big level, you know. Yeah. So I think if you could connect all of us, then you know what, so like you are great at script writing and conveying the message, so you could give us a theme, then we all will work towards creating character and making something, and let's have a presentation like that. Sure, ma'am, this is a welcome suggestion, as well as I would like to apprise you that we are in a process to create one directory for the people of like-minded, you know, and like skills. So, जितने भी लोग आज इकट्ठा हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि सबका फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ एक जगह पे आ जाए, so that कि एक दूसरे को पता हो, ओपनली पता हो, तो एक दूसरे कनेक्ट करके भी हम कर पाए. एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो पैनल डिस्कशंस हैं या इस तरह कोलेबरेटिव प्रोग्राम्स हैं, तो ऑलवेज वी आर ओपन फॉर दैट वन. एंड हम लोग अपनी रेंज इस साल में 2022 में और बढ़ाने के साथ साथ कुछ कॉन्टिन्यूशन में भी करने का प्रयास करेंगे. अभी तो हम एक महीने में एक कर पा रहे हैं, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक सीरीज बना के उस चीज़ को आगे ले जाया जाए. तो आज ये उसकी शुरुआत है, उसका एक पहला कह लीजिए स्टेप है कि पपेट फेस्टिवल के तौर पे 3 दिन का आयोजन किया गया. कल भी एक स्टोरी टेलिंग का सेशन है, तो आज जैसे यहाँ से ये पहला स्टेप हुआ, तो आगे के आगे हम बढ़ते चले जाएंगे उस काम को करने के लिए. सुभाषिस न्योगी सर सालों से इस दिशा में प्रयासरत हैं, सालों से वो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं. वो अपना समय ना सिर्फ समाज के लिए निकालते हैं, बल्कि उस वर्ग के लिए खास तौर पे निकालते हैं जिसको प्रिविलेजेस शायद उतनी मिल नहीं पाती हैं. मैम के बारे में अगर कहना चाहूँगा, हालांकि ये शेड्यूल्ड नहीं था, लेकिन वो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कम्युनिटी किड्स हैं, जो समाज में, जो स्कूल भी बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं, तो उनका जो मकसद रहता है खास तौर पे उन बच्चों के साथ काम करना, उनको रोल प्ले सिखाना, उनको थिएटर सिखाना, उनको पपेट्री सिखाना, प्लस उनको समाज में फैले हुए जो वेस्ट को मैनेज करने के तरीके सिखाना, उस पर वो बहुत तरह से बहुत सालों से केंद्रित हैं, बहुत इन्होंने काम किया है इसमें. और हम लोग जरूर आपका सुजेशन का स्वागत करते हुए हम एक प्लेटफॉर्म पे जरूर इकट्ठा होंगे, और जरूर किसी और बड़े लेवल पे हम अपनी परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बातचीत करेंगे. तो अब हमारे पास डेफिनेटली लव टू कनेक्ट, बिकॉज़ बंगाल तो वैसे भी आर्ट आर्ट का हब है. मतलब अगर मतलब बंगाल पर्सोनिफाइज एंड काइंड ऑफ यू नो जी. तो इसी के साथ जो हमारे बच्चे हैं, अब उन्होंने हमें सिग्नल दे दिया है कि भाई अब हम बस करें. तो जब बच्चे सुभाषिस सर कुछ दिखा रहे हैं, व्हिच आई एम वेरी वेरी कीन टू सी. ये मेरा फेवरेट वन है. मैं पहली पपेट बनाया था जिंदगी में दादी पुतम जी के साथ. इसका नाम तो भोंदू सिंह है, बस ये कभी रंग बदलता है, कभी ये लगा लेता है, बट इट मेड इन 2003. मेरे को पता नहीं कि मैं पपेटियर जाना चाहूंगा. मैं तो थिएटर एडिक्ट इंसान हूँ, बच्चों के साथ काम करना पसंद करता हूँ. सो मेरा कोई प्रोग्राम हो, टॉक हो, कुछ भी हो, और ये मेरा साथ ना हो, ऐसे हो नहीं सकता. इसीलिए गुड बाय करने आए हैं. मिलेंगे जरूर बहुत जल्द. मैं भी गुड बाय करना चाहती हूँ. या सो जी जी. और हम लीना को भी देखना चाहेंगे गुड बाय करते हुए. तो मैं इसको अपने लेआउट को चेंज करके मैं टाइल्स कर लेता हूँ, ताकि हम लीना को भी साथ देख सके. और हमारे वो कछुआ कहाँ चला गया, जो जिसका टमी रेड कलर की है और बॉडी ब्लू कलर की. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो चलो, तो आज का दिन अच्छे रहो. बहुत धन्यवाद मैम. आज का दिन बहुत ही शुभ है हमारे लिए, और आज जो वर्ल्ड पपेट डे के ऊपर हमने सेलिब्रेट किया है, मैं सभी आने वालों का बहुत धन्यवाद करता हूँ. और ये उम्मीद करता हूँ, जो आज भारती मैम ने इन्फॉर्मेशन भी दिया है, कि अगले जल्दी ही हम एक और ऐसे ही प्रोग्राम के साथ और मिलेंगे. और कल आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा. कल हम लोग एक स्टोरी टेलिंग सेशन रहेगा, जो हम फेसबुक के ऊपर लाइव भी करेंगे. जो टाइम रहेगा 5:30 बजे के आसपास का रहेगा, या 5:30 से 6 बजे के आसपास का रहेगा. थोड़ा डायनेमिक है, क्योंकि वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह पे थोड़ा नेटवर्क का इशू हमें हो सकता है, लेकिन वो लाइव हम करने की भरपूर कोशिश करेंगे और सबके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे. तो आज के लिए हम आपको यहीं पे विदा कहते हैं, और अगले प्रोग्राम में फिर आपसे वार्तालाप होंगे. बहुत धन्यवाद आपका. So, जोरदारे का बाय 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 बाय